हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सेशन। स्टूडेंट्स, पिछले चार वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये पहला वीडियो सेशन है जो स्टार्ट किया है मैंने। इसके बैक टू बैक चार वीडियोस आए हैं और हमने फोर वीडियोस में इसको 3/4 कवर कर लिया है इस लेसन को। ये अगला वीडियो है एंड होपफुली द लास्ट वीडियो। कोशिश होगी कि ये लास्ट वीडियो हो। और जो लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे जो है, सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ऐड नहीं हैं, तो जो पहली बार इसको यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें और उसके अलावा जो है इसको कोशिश करिए कि इसको मैक्सिमम शेयर कर सकें आप। जितनी ज़्यादा इसकी शेयरिंग्स होगी, उतनी ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा वीडियो को जो है और अधिक से अधिक जो है बनाने के लिए। कोशिश ये होगी फ्रॉम 9 to 12 अनवर्ड, 9 से 10 इंग्लिश एंड सोशल दोनों, और इसके अलावा 11 एंड 12 में हम इंग्लिश को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो कोशिश अब इसी चीज़ की होगी। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है लास्ट डे हम लोगों ने सॉइल स्टार्ट किया था, सॉइल को पढ़ना। ठीक है, सॉइल में हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लिया था कि सॉइल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर। मैंने बताया भी था कि जो सॉइल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फीचर्स। ठीक है, कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर सॉइल डिपेंड करता है उसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें उसका रिलीफ फीचर होता है, लैंडफॉर्म होता है, क्लाइमेटिक रेल्स मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, और वेजिटेशन के टाइप्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि सॉइल किस तरह की होती है। सो ऑन ऑल दीज बेसिस ना, इन सब के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम सॉइल को अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। तो जो पहली सॉइल स्टूडेंट्स आती है, जो पहली सॉइल आती है उसको हम कहते हैं, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत से बार इससे पुटअप किए गए हैं, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके कई पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी फॉर्मेशन। तीन चार चीज़ें हैं जो इस सॉइल के बारे में, सभी सॉइल के बारे में आपको जानते रहना है। उसमें से पहली चीज़ होती है उसकी फॉर्मेशन कैसी है, इसके अलावा जो है वो सॉइल किस तरह की न्यूट्रिएंट्स से इनरिच है, इसके अलावा वो सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है ना, वहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये इसके इम्पॉर्टेंट जो है फीचर्स हैं जो हमें जानते रहना है। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वाइडली स्प्रेड है ना, बहुत ज़्यादा विकसित मिट्टी है, बहुत जगह जो है फैली हुई है, इम्पॉर्टेंट सॉइल है ये। ठीक है, एक और जो पूरा नॉर्थ नदन प्लेन वाला हिस्सा है, जो कि इंडस के बाद से, सतलज रिवर हम कहेंगे, सतलज रिवर से लेकर के पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तक के मैदान तक फैला हुआ है। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच यू नो ऑफ दिस, मतलब ये जो है यहाँ से लेकर के पूरा इसका विस्तार इस तरह से पूरे मिट्टी का है जो ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसको हम सतलज प्लेन कहते हैं, फिर उसके बाद गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। गैंगेटिक को हम तीन गैंगेटिक प्लेन्स में बांटते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन साइड से आता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लेन होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। अब बात आती है कि अब ये बात आती है इसमें कि जो सॉइल होता है हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, जो मैंने बताया। तो एक इंडस रिवर सिस्टम होता है, ठीक है, दूसरा गंगा गैंगेटिक रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये तीन रिवर सिस्टम जो हैं ये इस मैदान को बनाते हैं। जब हम इंडस की बात करते हैं तो उसमें वो पांच नदियां आती हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें पांच नदी जिनके नाम से पंजाब बना हुआ है वो पांच है, सतलब है, चेनाब है, झेलम है, रावी है और ब्यास है। ठीक है, उनका मैदान हो गया। उसके बाद फिर हम गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं। गैंगेटिक प्लेन को हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये सॉइल होती है, इसका एक्सटेंट राजस्थान और गुजरात से लेकर के, ठीक है, एक कॉरिडोर में फैला हुआ है, नैरो कॉरिडोर, वहाँ पे थोड़ा बहुत मात्रा में, और इस तरह से ये वहाँ से इसकी शुरुआत होती है।
एलुवियल सॉइल जो होती है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पर्टिकुलरली जो डेल्टा है महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और कावेरी का, इन डेल्टाज में भी ये सॉइल पाई जाती है। ओके अब अगर इसको आप देखें तो ये जो सॉइल है वो बेसिकली जो है इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में पाई जाती है। तो जो यहाँ के राजस्थान और गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा लेकर के एक नैरो बेल्ट से ये पूरा इधर से इधर पाई जाती है। इसके अलावा ये जो कोस्टल एरिया है, इधर डेल्टाज वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी ये सॉइल पाई जाती है। ठीक है, सो एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू जो है ये पाई जाती है हर जगह पे, इन सब क्षेत्रों में भी। तो ये ओवरऑल जो है इसके बारे में डिटेल्स हो गया बच्चों। ठीक है, और अब इसी चीज़ को अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृष्णा सॉरी जो एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल जो होता है, अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं, कॉम्पोजिशन, ये अलग अलग कई कॉम्पोजिशन प्रोपोर्शन से मिला हुआ है। सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। जिन चीज़ों से मिट्टी बनी होती है वो सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। ठीक है, तो जब हम इनलैंड से रिवर वैलीज़ की ओर बढ़ते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसके ना, वो क्या होते हैं, जो बिगर साइज़ में होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप इनलैंड से रिवर वैलीज़ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो थोड़े बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, ये थोड़े बड़े होते चले जाते हैं, थोड़े से बड़े होते चले जाते हैं इस तरह से। सो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, और जहाँ पे स्लोप्स का ब्रेक होता है, मतलब जैसे कि अब आप मान लीजिए कि इस तरह से अगर कोई पहाड़ी है और उसमें ये स्लोप्स हैं, जहाँ पे ये स्लोप्स हैं, जहाँ पे ये स्लोप्स का यू नो स्लोप्स का जो है, जहाँ पे ढलान आ रही है, ढलान है जहाँ अपर हिल्स वगैरह के, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉइल कई पार्ट्स में जो है सबमिट होती है, मतलब यहाँ डिपॉजिट होती है। जैसे जैसे ढलान होता जाता है वैसे वैसे डिपॉजिट होती जाती है। ठीक है, तो अपर रीचेस में जो रिवर वैलीज़ के हैं, जैसे नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स, जब मिट्टी ऊपर से सीधे गिरती है ये चट्टान के टुकड़े, तो यहाँ पे कोर्स सॉइल बनती है, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स बन जाते हैं उसको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं, मतलब सॉइल कहते हैं। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पीडमंट प्लेन सच एज द्वार, चोज एंड तराई। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से द्वार, चोज और तराई के नाम से जानते हैं। ओके ओके, तराई के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अब आप इसको देख सकते हैं कि जिसे द्वार्स हो गया, जैसे आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा हरिद्वार। ओके, तो हरिद्वार जो है ऐसा ही एक द्वार है ना, चोज हो गया और इसके अलावा तराई, तराई के यूपी के जितने भी कोस्टल एरिया जो सॉरी तराई वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि बलरामपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, ठीक है, ये सभी जो ज़िले हैं जो नेपाल सटे हुए हैं, ये सब जो हैं तराई और तराई रिवर जो मिट्टी के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे ये ना नेपाल से आने नदियाँ जो हैं ढलान पे यहाँ गिरती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स की तरह मिट्टी बना के जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आगे बढ़े तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट्स, जो इनकी जो इनके ग्रैन्यूल्स या कंपोनेंट्स की जो साइज होती है सॉइल्स के ना, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, अपने एज के बेसिस पे ना इनको डिस्क्राइब किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, अपने एज के बेसिस पे जो एलुवियल सॉइल होता है ना, इस सॉइल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बांगर, ठीक है, एक बांगर और दूसरा होता है खादर। ठीक है, बांगर एंड खादर, इसके एज के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब बनने के क्रम के हिसाब से हम सॉइल को बांगर एंड एलुवियल खादर के रूप में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो बांगर सॉइल होती है उसकी बहुत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, बांगर सॉइल की जो है सॉइल की, इसकी बहुत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है कंकड़ नोड्यूल्स वगैरह, ठीक है, खादर सॉइल कंपेयरिंग में। सो इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बांगर, और जो खादर होती है वो ज़्यादा ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बांगर को हम ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है, और खादर को हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं ना।
तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जैसे जिन क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं, ये क्षेत्र बांगर एरिया है, यहाँ पे नदियाँ जल्दी बाढ़ नहीं लाती हैं। बहुत वर्ष हो गए, कई सौ 50-100 साल हो गए जब अभी तक इस सॉइल में, ठीक है, नई लेयर नहीं बिछी है। और वहीं जो खादर एरिया होते हैं, जैसे कि जो बाढ़ वाले फ्लड एरिया होते हैं पटना बिहार वगैरह में या फिर बाकी और एरियाज़ में, तो ये जो फ्लड एरियाज़ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं खादर में, जहाँ पे बाढ़ की वजह से हर साल सॉइल क्या होती है, वो रिन्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका एक यूनिफॉर्मेट है सॉइल का, तो इसको खादर और बांगर के रूप में। वैसे इस सॉइल के चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहली जो सॉइल के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो पहले को हम कहते हैं तराई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भाभर होता है, ठीक है, भाभर। फिर उसके बाद होता है बांगर और फिर होता है खादर, ठीक है। तो ये चार सॉइल के पार्ट्स होते हैं इस एलुवियल सॉइल के, ठीक है। भाभर क्या होता है, उसमें तराई से थोड़े छोटे ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे बांगर में थोड़े और छोटे ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं, और खादर एकदम महीन कण वाली मिट्टी होती है जहाँ बाढ़ बार बार आता रहता है, उसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। बार बार वो चेंज रिन्यूएबल होती रहती है। अब देखिए, एलुवियल सॉइल जो होती है पूर्ण रूप से कुल मिलाकर के बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और अधिकतर जो इसकी सॉइल कंटेंट्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उसमें पोटाश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है जो कि शुगरकेन, पैडी, वीट और सीरियल और पल्सेस क्रॉप्स के लिए बहुत ही आइडियल सॉइल होती है ये, ठीक है। इस सॉइल की खासियत क्या होती है, हाई फर्टिलिटी रेट होती है इसकी। जो रीजन होता है एलुवियल सॉइल का, वो बहुत ही इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है जहाँ पे ये सॉइल होती है, ठीक है। और डेंसली पॉपुलेटेड होती है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है, इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा खेती वगैरह से और सिंचाई वगैरह के होने से यहाँ एल्किनिटी बढ़ रही है सॉइल में, ठीक है। उसका एक बेस क्रिएट हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, सॉइल बंजर हो रही है, ठीक है, और अनप्रोडक्टिव हो रही है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन की आवश्यकता इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया एलुवियल सॉइल की। आगे बढ़ते हैं और ब्लैक सॉइल को स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होती है, जैसा कि नाम से मालूम है कि सॉइल की जो टेक्सचर है, जो कलर है उसका, वो ब्लैक कलर में होता है। टेक्सचर जो है वो तो बारीक ही होता है, लेकिन वो ब्लैक सॉइल जो है कलर में ब्लैक होती है। अब ब्लैक कलर की सॉइल जो होती है, इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी रेगुर सॉइल से पूछ लेता है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। रेगुर सॉइल जो होती है, इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल जो होती है, ये आइडियल सॉइल होती है किसके लिए, ग्रोइंग कॉटन, ना। कॉटन सबसे ज़्यादा इस सॉइल में पैदा होती है, इसलिए इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्स में एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है। तो कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। अब बातें आती है कि इसका ब्लैक कलर क्यों होता है, ठीक है। तो ये माना जाता है, कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और इसके अलावा जो पेरेंट रॉक होती है ना, रॉक मटेरियल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इस सॉइल के फॉर्मेशन के, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के, ना। तो जो पेरेंट रॉक होती है, उसके साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, ब्लैक कलर दिखने लगती है। इस टाइप की जो सॉइल होती है, वो बेसिकली डेक्कन ट्रैप या बेसाल्ट रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे डेक्कन ट्रैप है पूरा। डेक्कन ट्रैप का मतलब जो साउथ का ये वाला हिस्सा है ना, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल, गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में। तो ये डेक्कन प्लेटू हो गया एंड इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लावा। तो ये सॉइल किससे बनी होती है, लावा की बनी होती है, ठीक है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ साथ ये सॉइल जो होती है, ये महाराष्ट्र का प्लेटूज कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का प्लेटू, जिसमें उसके बाद जो है सौराष्ट्र, गुजरात का हिस्सा हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, इन क्षेत्रों में ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है।
अब इससे जो है जो ब्लैक सॉइल होती है वो बेसिकली उसका फॉर्मेशन देखा जाए तो क्ले मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, और वेल नोन होती है अपनी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, नमी को ज़्यादा देर तक पकड़े रखने के लिए सॉइल जानी जाती है, ठीक है, बहुत देर तक होल्डिंग कर सकती है मॉइस्चर को, और इसके साथ साथ यू नो रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में ये सॉइल बहुत रिच होती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम, पोटास, ठीक है, ये सब जो है इस सॉइल में, और इसके साथ साथ इस सॉइल में लाइम वगैरह पाया जाता है। ये सॉइल जनरली बहुत ही पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट्स के रूप में, तो फॉस्फोरिक कंटेंट्स जो हैं वो इंडिया के सॉइल्स में बहुत ही कम पाया जाता है। दे डिवेलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब गर्मी खूब पड़ती है तो क्या होता है कि इस सॉइल में ना खूब बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जो इस सॉइल के प्रॉपर एरिएशन को मेंटेन करती है, हवा अंदर की तरफ पास हो जाती है मिट्टी के, ठीक है, एरिएशन हो जाता है, एंड ये सॉइल जो होती है वो स्टिकी हो जाती है, स्टिकी वेट हो जाती है, मतलब कि गीली हो करके जो है चिपचिपी टाइप की हो जाती है ना, और डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ना, और अगर पहली बारिश पहली बौछार के बाद ही इस मिट्टी को ना जुताई न करा दी जाए तो मिट्टी बहुत ही कड़ी हो जाती है, उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल के बारे में डिटेल। बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों रेड एंड येलो सॉइल की जब हम बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है, मतलब क्रिस्टल की तरह दिखने वाले, ग्लास की तरह दिखने वाले इग्नियस रॉक्स होता है। इग्नियस रॉक्स मतलब आपने रॉक के बारे में पढ़ा होगा, रॉक तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, आपने रॉक के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। रॉक में इग्नियस रॉक्स होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो ये तीन तरह के रॉक्स होती हैं। तो जो इग्नियस रॉक हैं उसका अंश जो है वो रेड सॉइल में देखने को मिलता है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में, ठीक है, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में बारिश कम होती है तो वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा जो सॉइल येलो एंड रेड सॉइल है वो बेसिकली ओडिशा के कुछ हिस्से में, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, सदर्न पार्ट जो गंगा प्लेन की बात करते हैं तो बुंदेलखंड वाला एरिया, झांसी, ललितपुर, महोबा, वो सब क्षेत्र आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब हम इसकी बात करें तो जब आप जाएंगे मध्य प्रदेश में रीवा वगैरह तो वहाँ रास्ते में आपको रेड सॉइल मिल जाती है, ठीक है। तो मिडिल गंगा प्लेन वगैरह के हिस्सों में पीडमंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का जो पीडमंट जोन है, मतलब वेस्टर्न घाट का जो जो यू नो प्लेन और उसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है, मतलब कि कोस्टल प्लेन वाले और उसके आसपास के बाद के हिस्सों में, ठीक है, तो पीडमंट जोन कहलाता है। दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में आयरन को डिफ्यूज करने की वजह से, ठीक है, आयरन उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है, आयरन के जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स तो और मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह में, तो इस वजह से ये रेडिश कलर दिखाई देता है, ठीक है, इसमें आयरन की अधिकता होती है इसलिए सॉइल जो है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ये येलो कलर का भी दिखाई पड़ता है जब ये हाइड्रेट हो जाता है ना, इसमें थोड़ी पानी की बूंदें और सब चीज़ें पड़ती हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ये सॉइल जो है पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो ये हो गया येलो एंड रेड सॉइल। फिर बात आती है लैटराइट सॉइल की बच्चों, ठीक है, लैटराइट सॉइल की जब हम बात करते हैं तो लैटराइट सॉइल क्या होता है, अब लैटराइट सॉइल इसका नाम है लैटराइट सॉइल ना, यहाँ लैटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ठीक है, ईंट होता है, ईंट की तरह मजबूत जैसे, तो जो लैटराइट सॉइल होती है वो एक अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है जहाँ अल्टरनेटिवली वेट और ड्राई सीजन चलता रहता है रह रह करके, तो वहाँ पे ये सॉइल फॉर्म होता है, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। ये जो सॉइल होती है ये रिजल्ट होता है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ज़्यादा रेन की वजह से ना मिट्टी जो है वो दलदली टाइप की लीचिंग हो जाती है, उसमें मिट्टी ना चिपचिपी टाइप की या दलदली टाइप की हो जाती है, तो इंटेंस लीचिंग जो है हैवी रेन की वजह से इस मिट्टी के पास पाया जाता है ना मिट्टी में। लैटराइट सॉइल जो होता है वो मोस्टली डीप और वेरी डीप होता है, ठीक है, मतलब बहुत गहराई तक होती है और जिसकी एसिडिक वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो 6 जो है ना
मतलब कि 6 के आसपास होती है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, ह्यूमस वगैरह की बहुत कमी पाई जाती है, मोस्टली सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है सॉइल, ठीक है। वेस्टर्न घाट रीजन जो महाराष्ट्र है, उड़ीसा के, इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिड्यूस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो साउथ वगैरह में ये जो सॉइल होती है वो डेसिड्यूस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, ये सॉरी ह्यूमस रिच सॉइल होती है, बट अंडर स्पार्स, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्पार्स कंडीशंस होते हैं, ठीक है। स्पार्स वेजिटेशन मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ही बिखरी हुई मिलती है ना, इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट। तो जो सेमी एरिड इन्वायरमेंट वगैरह में ये वेजिटेशन जो है, स्पार्स वेजिटेशन पाई जाती है और कम मिट्टी वहीं पे पाई जाती है सेमी एरिड रीजन्स में, जनरली क्या होता है ह्यूमस इसमें बहुत ही कम होता है जब ये सेमी एरिड रीजन की बात करते हैं तो, ठीक है। वहाँ पे दे आर प्रोन टू इरोजन, ये मिट्टी कटाव के लिए बहुत खतरे में, मतलब डेंजरस जोन में होती है। डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, लैंडस्केप में ऐसे स्थान पे मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक अच्छे अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके ना, इस सॉइल को जो है, जैसे कि हिली एरिया है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह में, वहाँ पे इस सॉइल को यूजफुल बनाया गया है, जिसके तहत इसी सॉइल पे ना उन क्षेत्रों में टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है, ठीक है। तो जो रेड लेटराइट सॉइल होता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला वगैरह में, वो सॉइल बहुत ही सुटेबल होती है कैशू नट के लिए, मतलब कि काजू वगैरह की खेती के लिए वो सॉइल बहुत ही जो है फ्रूटफुल होती है, लाभदायक होती है, ठीक है। तो इस तरह की फसलें इस सॉइल में बोई जाती है। ओके ओके, सो अब बात आती है, आगे बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड मतलब जो शुष्क क्षेत्र हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ की सॉइल को हम एरिड सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब देखो एरिड, देखिए एरिड सॉइल की जब हम बात करें तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल क्या होते हैं, वो रेड से लेकर के ब्राउन कलर्स में होते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। क्या होते हैं कि जनरली सैंडी होते हैं, ठीक है, रेतीले टाइप के होते हैं टेक्सचर में, और सेलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है। सैलिनिटी इसमें ज़्यादा होती है कुछ एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस जो है रेनफेड रीजन होता है ये, तो यहाँ पे बारिश वगैरह की कमी है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो ये सैलिनिटी को बढ़ावा मिलती है एल्कलिनिटी वगैरह को। इसके अलावा कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें ना, कॉमन सॉल्ट जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में इवेपोरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है पानी से। इसके अलावा ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होने के नाते हाई टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है, इवेपोरेशन बहुत तेज होता है, और सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो है लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। क्या होता है, जैसे सॉइल जो टेक्सचर होती है, एक सॉइल को अगर हम ऐसे मान लें तो उसके कई हॉरिजन्स होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, ऐसे करके सॉइल के हॉरिजन्स होते हैं, कई लेयर में बटा होता है। तो जो लोअर हॉरिजन होता है इस सॉइल का ना, उसमें कंकड़ बहुत इंक्रीजिंगली ज़्यादा पाए जाते हैं। कारण क्या होता है कि बड़े मात्रा में कैल्शियम कंटेंट इस सॉइल में पाया जाता है, और कैल्शियम कंटेंट जब घुल जाते हैं पानी के साथ तो नीचे की ओर कंकड़ के रूप में बस जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक है। तो कंकड़ लेयर जो फॉर्मेशन होता है वो बॉटम हॉरिजन में यू नो रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बॉटम लेयर में कंकड़ जम जाने से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है पानी का ना, वो छन्ना जो है नहीं हो पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये सॉइल्स को हम जो है बेहतर बना सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब और राजस्थान के जो डिजर्टियस एरियाज़ हैं वहाँ पे, जैसे आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी कैनल है, इंदिरा गांधी नहर की वजह से वहाँ उन क्षेत्रों में सॉइल को उपजाऊ बनाया गया है। एरिड सॉइल में भी गेहूं वगैरह की फसल पैदावार की जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल की, ठीक है। जो फॉरेस्ट सॉइल होता है ये सॉइल जो है बेसिकली पाया जाता है हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा सॉइल टेक्सचर
जो होता है वो वेरीज होता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। ठीक है, माउंटेन के एनवायरनमेंट की वजह से ना सॉइल टेक्सचर अलग अलग होता है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ऊंचाई पे सॉइल का टेक्सचर अलग अलग हो जाता है माउंटेन्स पे ना। ये लूमी और सिल्टी टाइप की सॉइल होती है ना वैली साइड्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कोर्स ग्रेन टाइप के अपर स्लोप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्नो कवर्ड एरिया है जहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं जैसे हिमालय वगैरह के, तो दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेंड्यूशन एंड आर एसिडिक। ये सॉइल क्या होते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं डेंड्यूशन को एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। और इसके अलावा ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिड कंटेंट लिए होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही लो ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के जो है बेसिकली जो स्नो कवर्ड वाले एरिया होते हैं। सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस। ठीक है, नदियों के जो टेरेसेस होते हैं फैलाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। एंड एलुवियल फैंस जो हैं वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स में आते हैं, एलुवियल फैंस वगैरह में। ठीक है, तो फैंस क्या होते हैं, एक तरह के डिफरेंट यू नो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से जो है मिट्टी जम जाती है। ठीक है, तो वो एलुवियल फैंस कहलाते हैं, जैसे पंखे हाथ चलाने वाले वैसे पंखों की तरह, तो वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ पे भी ये सॉइल पाई जाती है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सॉइल। ओके, हम लोगों ने बच्चों सॉइल का कवर कर लिया। सॉइल जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक या दो सॉइल, एक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसके किसी न किसी एक ऊपर जो है कमेंट लिखने को आ जाता है। तो सॉइल्स के आप जो मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं उन्हीं डिटेल्स को आप वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बस के टॉपिक लास्ट की तरफ चलते हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीज़ों को पढ़ना है, द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड द कंजर्वेटिव मेजर्स। ओके, सॉइल कंजर्वेटिव मेजर्स, ये दो टॉपिक अलग अलग भी बनते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन ही बनता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, एक क्वेश्चन बन गया ना। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व द सॉइल, दो क्वेश्चन बन गया। या दोनों कंप्राइजिंगली एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद कि डेंड्यूशन जो होता है ना सॉइल का, या सॉइल कवर जो होता है डेंड्यूशन के द्वारा एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो डेंड्यूशन क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, डेंड्यूशन के बारे में बच्चों आप जान लीजिए कि डेंड्यूशन क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें वेदरिंग ना, इसको आप चार प्रोसेस कह सकते हैं। दूसरा होता है इरोजन। ठीक है, तीसरा प्रोसेस हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ सकते हैं, और चौथा प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो चार प्रक्रियाएँ हैं ना, तो इसके तहत ये फोर जो हैं यू नो पार्ट्स इसके पाए जाते हैं डेंड्यूशन के। तो डेंड्यूशन जो होता है सॉइल कवर का, और सब्सिक्वेंट जो वॉशिंग होती है मतलब इरोजन जो होता रहता है मिट्टी का, उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है, सॉइल को कटाव कहा जाता है। तो जो प्रोसेस होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के और इरोजन के ना, वो एक साथ चलते रहते हैं, मतलब इरोजन और इसके अलावा फॉर्मेशन साथ साथ होता रहता है। और जनरली क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है इन दोनों के बीच में, कटाव और जमाव के बीच में ना। कभी कभी क्या होता है कि जो बैलेंस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। अब जंगल नहीं रह गए हैं तो कटाव तो होगा, लेकिन जमाव मुश्किल हो जाएगा। तो कभी कभी ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी ना। जबकि जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, ये सब क्या होते हैं, ये सॉइल इरोजन की ओर बढ़ते हैं, मतलब इनसे सॉइल का इरोजन पॉसिबल होता है। ठीक है, सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज। तो जो रनिंग वाटर होता है ना, अब देखो ये रीजंस हैं ना, सॉइल इरोजन के रीजंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है ना, क्या करता है, जो क्ले सॉइल के बीच में से, चिकनी मिट्टी के बीच में से पानी बहता है, तो बड़े बड़े चैनल्स ये पिक्चर में दिख रहा है, तो इस तरह से बड़े बड़े चैनल्स जो हैं डेवलप कर देता है, जिसको गुलीज कहा जाता है, गुली इरोजन कहा जाता है। सो लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मिट्टी जो है वो कल्टीवेशंस के लिए अनफिट हो जाती है, वहाँ खेती नहीं हो पाती है, और उस लैंड को बैड लैंड कहा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, शॉर्ट में
चंबल का जो बेसिन है, चंबल घाटी, चंबल नदी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ पे इस तरह के बैडलैंड देखने को मिलते हैं और उनको रिवाइंस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? रिवाइंस कहा जाता है। रिवाइंस का मतलब होता है बीहड़। ओके, बीहड़ आपने एक वर्ड सुना होगा, बीहड़। जब आप कभी भी मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ वगैरह में जो मूवीज़ रही हैं, जैसे कि शोले वगैरह हो गया ना, तो उन मूवीज़ में आपने देखा होगा कि रामगढ़ वगैरह के जो बड़े बड़े ऐसे दिखाया गया है चट्टान, और जिसके बीच में डाकू लोग रहते थे, तो डाकुओं का जो एरिया था उसको हम रिवाइंस कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों में कल्टीवेशन तो पॉसिबल होता नहीं है, तो कल्टीवेशन पॉसिबल ना होने की वजह से वहाँ के लोग बेरोज़गार रहते हैं और लूट खसोट करके अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, तो इसलिए वो डाकू बन जाया करते थे पहले। अब तो नहीं है ऐसा, अब तो डेवलपमेंट होने लगा है। तो ये बैडलैंड जो है, रिवाइंस जो होते हैं चंबल बेसिन के ना, ये बैडलैंड के ही एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही गुली रोजन के। इसके अलावा दूसरा देखिए, कभी कभी क्या होता है, वाटर फ्लो एज अ शीयर ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, कभी कभी एक बड़े क्षेत्र के ऊपर से पानी की एक लेयर बह जाती है। ठीक है, डाउन द स्लोप मतलब जिस तरफ ढलान होती है, इस तरह किसस में क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश हो जाता है, वो बह जाता है ऊपर की सॉइल। तो इस तरह का जो इरोजन होता है कि ऊपर की लेयर पूरी बह जाए, तो उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शीट इरोजन कहते हैं उसको। इसके अलावा तीसरा देखिए, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ, जो विंड बहती है तो ढीली चट्टानों को जो है ऑफ कर देती है, फ्लैट कर देती है, उसको फैला देती है, और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। इसके अलावा लैंड को या तो स्लोप बना देती है, ढलान बना देती है रेतीले क्षेत्रों में, तो उसको हम विंड इरोजन कहते हैं, ये तीसरा कॉज हो गया। इसके अलावा सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, गलत तरीके की जो खेती हमारे देश में होती है उसकी वजह से सॉइल का जो है इरोजन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया। अब इसमें क्या होता है, गलत खेती में प्लॉइंग इज़ अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग द सॉइल इरोजन। ठीक है, अब क्या, जैसे आपका खेत है, आपका कोई खेत है जो गाँव में रहता है, उनको मालूम है अगर खेत का जो ढलान है, ठीक है, वो इस तरफ है ना, तो क्या होता है कि हम जुताई भी वैसे ही कराते हैं, ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है तो वो ऐसे ही जोतता है। ठीक है, तो ढलान जिस तरफ है उस तरफ सॉइल का जुताई हुई है तो मिट्टी कट के उधर चली जाती है ना, तो ये एक तरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन करना क्या चाहिए, अगर मिट्टी नहीं कटवाना है तो सॉइल का जो ट्रैक्टर जुताई होती है वो इस तरह से हो, अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ढाल हो, ढाल के अगेंस्ट सॉइल में क्या करना चाहिए कि उसमें उसमें फिर जो है जुताई उस तरह से करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पानी कटता नहीं है मिट्टी के द्वारा और धीरे धीरे पानी जाता है, तो सॉइल इरोजन इससे रुक जाता है, ये उसका रोकने का उपाय है। ठीक है, इसके अलावा और रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, प्लॉइंग अलॉन्ग द कॉन्टूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। इसके अलावा जो प्लोइंग होती है कॉन्टूर लाइन्स के थ्रू, एक कॉन्टूर लाइन्स खेत में लंबी लंबी लाइन्स मान सकते हैं ना, उसके साथ अगर हम प्लोइंग करें तो डिसलरेट कर सकते हैं पानी के बहाव को, हम कमज़ोर कर सकते हैं स्लोप के साथ में, तो इससे भी जो है कॉन्टूर प्लोइंग कहते हैं उसके साथ भी, मतलब ऐसे ना कॉन्टूर प्लोइंग जिससे कि पानी धीरे धीरे जाए, तो कॉन्टूर प्लोइंग जो होता है प्लोइंग होता है उसके तहत भी हम इरोजन को रोक सकते हैं सॉइल के। ठीक है, इसके अलावा होता है स्टेप्स कैन बी कट आउट, खेतों में सीढ़ियाँ बना दो। ठीक है, सीढ़ियाँ बना देने से क्या होता है कि पानी धीरे धीरे इनसे होकर के आता है, तो इससे भी क्या होता है कि खेतों का कटाव नहीं होता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या बोलते हैं इसको, उस परिस्थिति में हम इसको जो है उसको हम जो है बेसिकली स्लोप के साथ टेरेस फार्मिंग वगैरह हम इसको कहते हैं, टेरेस फार्मिंग होता है, तो टेरेस कल्टीवेशन जो है वो इरोजन को रोक लेता है। इसके साथ साथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय जो रीजन है वहाँ पे वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग पाई जाती है, इस तरीके से लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। इसके अलावा बड़े बड़े खेत को स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं, सीढ़ियों के एक हिस्सों में, और मतलब एक खेतों के हिस्सों में, और उनके साथ क्या सकता है कि मान लीजिए ये खेत है स्ट्रिप्स में डिवाइड करके,
ना, उनको अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाए, और स्ट्रिप के साथ क्या हो सकता है, फिर क्या होगा, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट ना, इनके बीच में घासें उगा दी जाएं किनारे किनारे जो है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रिप्स बन जाएगी घासों की, और इन स्ट्रिप्स के बन जाने से ठीक है क्या होगा, जो मिट्टी जो है वो हवा या पानी के द्वारा दूसरे उस घास की वजह से बहेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के मेथड को जो है क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, ये भी एक बचाव का तरीका है। इसके अलावा प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, अब पेड़ किनारे किनारे लगा देते हैं तो एक शेल्टर बेल्ट बन जाता है, ठीक है ना। शेल्टर बेल्ट बन जाने से विंड और वाटर का जो इरोजन है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शेल्टर बेल्ट्स बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। इसके साथ दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, इन्हीं शेल्टर बेल्ट्स की वजह से जो रेगिस्तान की रेत उड़ के आती है वो रेत आकर के ऐसे बस जाती है ना, और एक ड्यून की तरह बन जाता है, खेतों की ओर नहीं पहुंच पाता है रेत, तो इस तरह से खेतों का उपजाऊपन बना रहता है। तो ये सब तरीके हैं ना ड्यून्स को कंट्रोल करने और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के। तो इस तरीके से बच्चों सॉइल इरोजन को कंजर्व किया सकता है, कंजर्वेशन मेजर्स हैं ये, और कंजर्वेशन के क्या कॉजेस थे वो भी हमने पढ़े इसमें। तो आप इसमें से दो ऐसे आंसर या एक एक ब्रॉड आंसर आप इसे डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेसन सक्सेसफुली, ठीक है। 5 लेक्चर सक्सेसिवली हमने इसके लिए प्रोवाइड किया आपको, इन 5 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अब आप इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो बच्चों तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है लेक्चर्स को देखने के दौरान आप पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ आपको एक बेल आइकन दिखाई पड़ेगा, आप उसमें ऑल वीडियोस को जो है कवर कर लेंगे, टच कर देंगे, तो आपको सारे नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप इससे जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप कंटिन्यूली जो है बार बार देखने को आपको मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी सेक्शन में, इस लेक्चर सीरीज में आपकी ये कोर्स कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में एक या दो दिन के जस्ट इंटरवल पे आपके लिए इंग्लिश और सोशल के और वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग सेफली एट होम। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।